स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास की कंटिन्यूएशन पे हम लोग बात करेंगे। आज का अभी का जो टॉपिक होगा वो उसका नाम है मसल कंट्रैक्शन मेड इजी। हमने इस टॉपिक का नाम रखा है मसल कंट्रैक्शन मेड इजी। एकदम स्टेप वाइज स्टेप, यही जो आप देख रहे हो ये एक्टिन फिलामेंट का मैंने एक रेप्लिका बना दिया। ये मसल कंट्रैक्शन मेड इजी, स्टेप 1। इम्पल्स रीचेस टू एग्जॉन एंडिंग, एग्जॉन एंडिंग पे इम्पल्सेस आए। एग्जॉन एंडिंग पे इम्पल्सेस आने के साथ साथ क्या हुआ? वेसिकल्स कंटेनिंग एसिटाइल कोलाइन, ACH शॉर्ट में लिखते हैं, फ्यूजेस विथ मेम्ब्रेन, एग्जॉन मेम्ब्रेन, एग्जॉन मेम्ब्रेन। नंबर 3, अब क्या होगा? एसिटाइल कोलाइन रिलीज इन द एसिटाइल कोलाइन रिलीज इनसाइड इन द एक्सॉन डेंड्रॉन जंक्शन। कोई टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर रहे, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बता रहे, एसिटाइल कोलाइन रिलीज इन द एक्सॉन डेंड्रॉन जंक्शन रिलीज होगा। नंबर 4, एसिटाइल कोलाइन बाइंड द सोडियम पोटेशियम गेट। नंबर 5, गेट ओपन। नंबर 6, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा। इन्फ्लक्स का मतलब बहुत सारे एक साथ अंदर आ जाएंगे, तो सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रिलीजेस कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम आयन बाइंड ट्रोपोनिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन प्रोटीन और एक्टिन फिलामेंट।
एक्टिन फिलामेंट, ट्रोपोनिन प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट का जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है उस पे बाइंड करेंगे, तो रिजल्टिंग क्या होगा, एक्टिव साइट क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, इसको क्या साइट बोलते हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट, तो एक्टिव साइट एक्सपोज्ड होगा, एक्टिव साइट ऑफ व्हाट, एक्टिव साइट ऑफ ट्रोपोनिन, सो एक्टिव साइट ऑफ द ट्रोपोनिन एक्सपोज होगा, द नेक्स्ट एक्टिव साइट ऑफ द ट्रोपोनिन एक्सपोज हुआ तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, साइमल्टेनियसली सेम टाइम में एटीपी बाइंड विथ मायोसिन हेड, मायोसिन हेड एटीपी मायोसिन हेड पे बाइंड करेगा, जैसे एटीपी मायोसिन हेड पे बाइंड करेगा उसके साथ साथ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन ऑल्सो बाइंड रिजल्टिंग क्या होगा, एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपेज और कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। ये एटीपेज कहाँ है, सो एटी सॉरी एटीपेज इज द एटीपी बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन, एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन, एटीपेज इज द एटीपी बाइंडिंग साइट ऑफ द मायोसिन, उसी जगह पे है। नेक्स्ट, अब एटीपी बाइंडिंग हो गया है, अब क्या होगा, नाउ जैसे ही एटीपी बाइंड हो गया है अब क्या होगा, बातें एटीपी अटैच विथ, एटीपी किसके साथ, एटीपी अटैच विथ ट्रोपोनिन एक्टिव साइट, कैल्शियम आयन ने जिसको एक्सपोज कर दिया था, एक्टिव साइट यहां पे बाइंडिंग होगा, जैसे ही यहां पे बाइंडिंग होगा नेक्स्ट क्या होगा, एडीपी पीआई एंड एनर्जी रिलीज फ्रॉम मायोसिन, मायोसिन हेड फ्रॉम मायोसिन हेड से रिलीज हो जाएंगे, जैसे ही मायोसिन हेड से रिलीज होगा अब क्या होगा, रिजल्टिंग रिजल्ट अब क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन द नेक्स्ट। अब मायोसिन हेड बेंड
टूवर्ड्स इनसाइड, इसका मतलब है एटीपी, ये आपका मायोसिन हेड था, ये टोपोनिन पे बाइंड किया, टी फॉर टोपोनिन इसमें बाइंड किया, और जैसे ही मायोसिन माने एनर्जी इज रिलीज, तो रिजल्टिंग क्या होगा, आप इस तरह से बेंड हो जाएगा एक साइड में. नाउ दिस टोपोनिन इज हियर. तो टोपोनिन पहले इस जगह था, इसी पॉइंट पे था, अब इसी पॉइंट पे था, अब डिस्प्लेस होके इसी पॉइंट पे था, अब डिस्प्लेस होके इस जगह पे आ गया है. नाउ मायोसिन इसको बेंड करके आगे की तरफ मूवमेंट करवा दिया, ठीक है. तो नाउ मायोसिन हेड इज बेंड टुवर्ड्स इनसाइड, सो द टोपोनिन इज टोपोनिन, दैट इज द एक्टिन फिलामेंट. Fetched inside, inside की तरफ actin filament यानी कि troponin जो है वो inside की तरफ आ गया है. Inside की तरफ आ जाने से क्या result हुआ, resulting क्या हुआ, inside की तरफ आ जाने से resulting ये हुआ, Z line जो है, जेड लाइन कम क्लोजर एंड एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड में एक्टिन फिलामेंट है, ऑफ बोथ साइड overlaps each other, क्या कर दिया, overlaps each other, तो अब पिक्चर कैसे दिख रहा है, अब पिक्चर ये z लाइन है और अब पिक्चर ऐसे दिख रहा है, ये एक्टिन है और ये भी आपका एक्टिन है. Now you see, दोनों ओवरलैप कर गया है, ठीक है. ये जो ओवरलैप कर गया है इसको अगर हम लोग थोड़ा सा जूम करके पिक्चर को देखेंगे, इफ वी लुक एट द पिक्चर जूमिंग, तो हम लोग इस तरह से देखेंगे चीजों को कि ये था आपकी एक्टिन फिलामेंट और ये एक्टिन फिलामेंट और इस बीच में आपका दिस इज द मायोसिन, ये आपकी मायोसिन है और इसमें आपकी मायोसिन का जो हेड है वो लाल से मैं दिखा रहा हूं, ये लाल से है रेड, ठीक है, ये देखो, और ये है आपकी मायोसिन का इस टाइप का हेड, देखो बेंड किया हुआ है, मायोसिन हेड जो है वो बेंडिंग है, तो मायोसिन हेड बेंडिंग होने से क्या हुआ, ये जो है ये अंदर की तरफ स्ट्रेच्ड हुआ है, अंदर की तरफ आ गया है, एंड ये अंदर की तरफ आ गया मतलब नाउ इट इज कॉल्ड एज मसल कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है. अभी सिमिलरली आप उल्टा साइड से इसको गिने तो ये आपकी क्या होगा, मसल रिलैक्सेशन. अब मसल रिलैक्सेशन के लिए जस्ट उल्टा, उल्टा क्या है, मायोसिन गोज इट
पोजिशन क्यों? ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ था, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ था, इसी जगह पे हम लोग आते हैं कि ये जगह जो है ये एटीपी अटैच्ड विद द एटीपी अटैच्ड विद ट्रोपोनिन एक्टिव साइट, है ना, ट्रोपोनिन एक्टिव साइट, इसी जगह से एक्टिव साइट ये पे है, मायोसिन पे है, ये ट्रोपोनिन एक्टिव साइट किस पे है, ये मायोसिन पे है। तो मायोसिन पे एक्टिव होने से यहाँ पर ये क्या फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ फॉर्मेशन हुआ है आपका क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ है। क्या फॉर्मेशन हुआ है इसी जगह पे, इसी जगह पे क्या फॉर्मेशन हुआ है स्टूडेंट, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है इसी जगह पे हम लोग बात करेंगे। सो देयरफॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ट्रोपोनिन एक्टिव साइट बोलो या इसको एक्टिन बाइंडिंग साइट बोलो, ये ठीक है। नाउ एग्जैक्टली इसी लाइन को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, एटीपी अटैच विद दिस नॉट, एक्चुअली एटीपी अटैच एंड, ये विथ नहीं, इसको इस तरह से कहो, एटीपी अटैच एंड ट्रोपोनिन एक्टिव साइट बाइंड विद दी आई मीन फॉर्मेशन इज देयर, ट्रोपोनिन एक्टिव साइट फॉर्मेशन, ठीक है। इसको एक्टो मायोसिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्टो मायोसिन कॉम्प्लेक्स, एक्टो मायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, एटीपी अटैच हो रहा है किससे, एंड द एक्टो मायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है कहां पर ही, ये ट्रोपोनिन एक्टिव साइट पे, ट्रोपोनिन एक्टिव साइट पे। अब ये रिलीज होने के बाद यहां पर ही हमने दिखाया है कि एटीपी, ये देखो एटीपी बाइंड्स विद द मायोसिन है, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइंड्स, एटीपी रिलीजेस एटीपी, सो एटीपी नाउ अटैचेस एंड द मायोसिन इज नाउ अटैच विद द व्हाट, मायोसिन इज अटैच विद द ट्रोपोनिन बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ। अब एटीपी एडीपी एंड पीआई के साथ एनर्जी भी रिलीज हो गए, जैसे एनर्जी रिलीज हो गए मायोसिन बेंड्स टुवर्ड्स द इनसाइड, दैट मीन्स ट्रोपोनिन इलामेंट और एक्टिन फिलामेंट इज फेच्ड इनसाइड, सो द जेड लाइन कम्स क्लोजर, एक्टिन फिलामेंट्स एंड बोथ साइड ओवरलैप्स विद ईच अदर, दिस इज कॉल्ड एज मसल कंट्रैक्शन। अब दूसरे में क्या है, एग्जैक्टली वो अपोजिट साइड में मायोसिन गेट्स इट्स प्रीवियस पोजिशन, देयरफॉर क्रॉस ब्रिज डिजॉल्व, क्रॉस ब्रिज जो है वो डिजॉल्व हो गया, क्रॉस ब्रिज क्या हुआ डिजॉल्व, क्रॉस ब्रिज डिजॉल्व होने से क्या हुआ, एक्टिन रिटर्न्स टू इट्स ओन पोजिशन और ओरिजिनल पोजिशन, एक्टिन रिटर्न्स इट्स ओन पोजिशन, ठीक है, अपने पोजिशन पे एक्टिन रिटर्न हो गए, एंड देयर फोर द नॉर्मल लेंथ ऑफ द सार्कोलेम्मा अचीव, तो सार्कोलेम्मा का पहला का जो नॉर्मल लेंथ था वो आ गया, नॉर्मल लेंथ ऑफ नॉर्मल लेंथ ऑफ सार्कोलेम्मा अचीव्ड, सार्कोलेम्मा का जो नॉर्मल लेंथ था वो अब अचीव हो गया है। तो सार्कोलेम्मा का नॉर्मल लेंथ अचीव होने का मतलब क्या है कि मसल रिलैक्स, दे आर फोर मसल रिलैक्स,
इसी जगह पे हम और भी कह सकते हैं और एडिशन कह सकते हैं कि एच लाइन जो है, और एच जोन, एक्चुअली एच लाइन नहीं है, एच जोन डिजॉल्व और डिजापियर, डिज हैपियर, ठीक है, एच जोन यहाँ पर ही डिजापियर हो जाते हैं। कब? जब दोनों एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप कब करेंगे? जब देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ मायोसिन ब्रिजेस और क्रॉस ब्रिजेस, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ये ब्रिज कब फॉर्म करेंगे? ये ब्रिज अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अब ये ब्रिज कब फॉर्म करेंगे? जब एक जगह में कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन को और मायोसिन से एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, तब ये दोनों ब्रिजेस का फॉर्मेशन होगा। एटीपी अटैचमेंट होगा या हाइड्रोलाइसिस होगा, इसमें अटैचमेंट होगा। ये कब फॉर्म करेंगे? जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम आयन रिलीज करेंगे एंड मैग्नीशियम आयन रिलीज करेंगे, क्योंकि एटीपी हाइड्रोलाइसिस के लिए, फॉर एटीपी हाइड्रोलाइसिस, एटीपी हाइड्रोलाइसिस के लिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों चाहिए। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इन दोनों रिलीज होगा, तभी जाके एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, तभी जाके ट्रोपोनिन का जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज होगा। स्टूडेंट्स, आपने समझा क्या? हैव यू अंडरस्टूड? मेड इजी, मसल कंट्रैक्शन मेड इजी।